ये वर्कशॉप जो है दिस इज गोइंग टू बी अ प्रैक्टिस सेशन एंड द रीजन व्हाई आई एम डूइंग अ फिफ्थ प्रैक्टिस सेशन इज बिकॉज अब तक हमने जो प्रैक्टिस सेशंस किए थे मेजर ट्रायल्स के उसमें हम सारी 12 पोजीशंस हमने सीख ली राइट एंड आई एम वेरी श्योर अगर मैं किसी को बोलूंगा कि मेरे को बी फ्लैट पे फॉर एग्जांपल सारी 12 मेजर ट्रायल्स प्ले करो यू माइट बी एबल टू प्ले दोस एज वेल लेकिन वन थिंग विच आई नो काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनको शेप्स रिलेटिव टू वन अनदर पता होती हैं तो अगर मैं बी फ्लैट बोलूंगा तो यू विल डू ऐसे करके राइट सो यू विल प्ले वन देन उसके साथ वाली नेक्स्ट फिर उसके साथ वाली नेक्स्ट फिर उसके साथ वाली नेक्स्ट दैट्स फाइन लेकिन आई डोंट वांट कि आप रिलेटिव टू वन पोजीशन बाकी पोजीशंस प्ले करो जैसे मैंने 4-4-4 का आपको प्रिंसिपल बताया था अगेन जिसको समझ में नहीं आ रहा डोंट वरी रिकॉर्डिंग्स देख लेना आज सर के ऊपर से जाने वाली ये बातें काफी सो पराग आई एम गेसिंग बरखा इज ऑल्सो जॉइनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम अल्पेश इज ऑल्सो जॉइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जो भी है maybe there are more but don't घबराने की जरूरत नहीं है recordings देख लेना सब पता लग जाएगा ठीक है सो हमने 4-4-4 principle किया था तो आपको 4 positions याद होएंगी next 4 set याद होएगा next 4 set याद होएगा and you'll just know okay B flat is this एक है तो ये दूसरी है ये तीसरी है ये चौथी है and so on right so I don't want that I want कि आपको positions ऐसे ही पता होनी चाहिए so if for example I ask you to play me a B flat लेट्स से इस एरिया में तो यू शुड बी एबल टू प्ले समथिंग राइट अगर मैं बोलूँ इस एरिया में प्ले करनी यू शुड बी एबल टू प्ले समथिंग एज वेल ठीक है सो व्हाट वी विल डू इज आज हम क्या करेंगे इट्स गोइंग टू बी अ रीइंफोर्समेंट ऑफ समथिंग जो हमने बहुत पहले किया था जो मैं पहले आपको जब ट्रायल्स वगैरह करा रहा था तो मैं बोलता था ना कि चलो सी एफ एन जी को हम एक ही पोजिशन में करेंगे सो वी बी डूइंग दैट बट इट विल जस्ट बी लेड बाई यू गाइज सो आई टेल यू मैं पहले जब बहुत पहले मैं प्राइवेट क्लासेस लेता था तब मैं कैसे करता था अपने स्टूडेंट्स के साथ वील डू द सेम एक्सरसाइज एंड वन मोर थिंग आई एम लेटिंग यू नो कि ट्राई इट्स जस्ट लाइक फिंगर एक्सरसाइजेज एंड ऑल अगर आप बहुत देर तक ना करो ना तो यू विल फॉरगेट दीज थिंग्स लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स अगर प्रैक्टिस नहीं करो तो यू विल फॉरगेट सो आई एम वेरी रस्टी राइट नाउ सो आई एल बी लर्निंग विद यू गाइज ठीक है तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट टुडेज क्लास बट या सो व्हाट वील डू इज आई वॉन्ट यू गाइज सबसे पहले आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेट ठीक है जस्ट टू आई शुड बी लीडिंग बाई एग्जाम्पल एंड देन इट विल बी यू गाइज डूइंग इट सो आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी एनी नंबर अ सिंगल डिजिट नंबर दैट नंबर इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ कॉर्ड्स जो उस प्रोग्रेशन में होने वाली हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ सी एफ जी कॉर्ड प्रोग्रेशन है सी एफ जी तो दैट्स 3 राइट सो आई जस्ट वॉन्ट मेरे को आप मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा आई विल मेक मिस्टेक्स बट आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेट सो फर्स्ट आई वॉन्ट यू टू टेल मी 4 इज वेरी लेस बट चलो कुछ नहीं होता लेट्स You want to give me 4? Okay. You can also give me 8, 9 वगैरह बट चलो ठीक है लेट्स गो 6. ओके लेट्स गो 6. 6 इज अ नाइस नंबर ठीक है तो आपने मेरे को नंबर दिया 6. अब मुझे 6 कॉर्ड्स प्ले करनी है नाउ हु वॉन्ट्स टू टेल मी द नेम्स ऑफ द कॉर्ड्स आई वॉन्ट somebody टू volunteer. ठीक है Anybody. सो let's गो विद ओके शुभम ठीक है शुभम अपना जरा माइक ऑन कर लो अब नंबर है 6. अब तुम्हारे को मेरे को 6 कॉर्ड्स बतानी है ऑल मेजर कॉर्ड्स ऑफ कोर्स लेकिन ट्राई टू मेक देम रियली डिफिकल्ट डोंट से ए सी ई ब्लू बी फ्लैट एंड डी फ्लैट एंड ई फ्लैट मतलब थोड़े शार्प फ्लैट वगैरह करो दैट विल बी डिफिकल्ट नो सो आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स यू कैन गिव मी इजी एज वेल आई एम जस्ट सेइंग कि गिव मी एनी 6 नोट्स जी शार्प A sharp B flat A sharp ही होता है ना वो सेम ही हो गया हाँ D and G flat अच्छा एक बार मैं भूल गया फिर से बताओ G sharp था G sharp then A sharp A G sharp A G sharp C and G flat F मेरे को लिखना पड़ेगा यार ये यार इसमें कोई नोट वोट का तरीका होता था कि चलो कुछ नहीं होता तुम बोल फिर से बोलो जी शार्प देन ए शार्प देन सी ए शार्प सी सी एंड जी फ्लैट जी सी एंड जी फ्लैट एफ एंड ई ओके ये तो क्रोमैटिकली डाउन चला गया ना जी फ्लैट एंड देन एफ एंड ई ओ एक्सलेंट समबडी इज रिटन दैट सो जी शार्प ए शार्प सी जी फ्लैट एफ एंड ई राइट ओके
सो ये छः मेरे को मेजर कॉर्ड्स, ऑब्वियसली मैं टाइम लगेगा सोचने में मेरे को, बट नाउ आई टेल यू द इंटरेस्टिंग थिंग कि हमारा नंबर था छः. सो आई हैव टू प्ले, यार ये स्क्रीन से हट गया, वो एक बार फिर से आ सकता है कि हाउ कैन आई कीप दिस इन माई स्क्रीन सामने. अच्छा आई गो टू चैट, ओके आई क्लिक ऑन चैट एंड मेकअप सारा दिख रहा है, जी शार्प ए शार्प सी जी फ्लैट एफ ई, परफेक्ट थैंक्स राहुल. ओके नाउ यू सेड सिक्स, सो आई हैव टू प्ले सिक्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज कॉर्ड्स. That's the beauty of this thing. Okay? So, ऐसा नहीं कि एक बार प्ले कर दिया काम खत्म, मेरे को छह अलग अलग तरीकों से मेरे को ये छह प्रोग्रेशन प्ले करने हैं. बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द चैलेंज. द नेक्स्ट थिंग इज शुभम तुम डिसाइड करोगे कि मेरे को कहां पे प्ले करना है. सो नाउ देर इज द लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रेट बोर्ड. ओके प्रणव इज द न्यू गाय एज वेल. ओके सो प्रणव तुम्हारे को भी समझ में नहीं आएगा. बरखा कॉर्ड शिफ्टिंग नहीं होती, वील टॉक अबाउट दिस बाद में टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्कशॉप. ठीक है अभी हम वर्कशॉप करेंगे, आखिरी के 5-10 मिनट में वील आई जस्ट टेक सम क्वेश्चंस. बट ये सब जो बेसिक चीज है ना उसके लिए जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टेज वन कोर्स. ओके एनीवेज तो मैं कह रहा था कि ये छह कॉर्ड्स बता दी मेरे को शुभम ने. नाउ शुभम विल टेल मी कि मेरे को कहां पे प्ले करनी है. मे बी शुभम माइट से कि यहां पे ही सारी प्ले करो. सो बेसिकली मैंने फ्रेटबोर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वन इज द लेफ्ट साइड विच इज रफली दीज फ्रेट्स. आइडियली अगर इक्वली डिवाइड करना है तो फर्स्ट फोर नेक्स्ट फोर नेक्स्ट फोर करो, लेकिन 12th फ्रेट तक ही हम करेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे बिकॉज ये तो सारा रिपीट ही हो गया ना. सो आई डोंट वांट यू टू थिंक कि ये और ये मैं सेम बजाऊंगा. सो इट्स लेट्स से दिस इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द फ्रेट बोर्ड समवेयर अराउंड दिस एरिया, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द राइट नाइट. सो नाउ व्हाट यू विल डू इज शुभम तुम मेरे को बोलोगे लेट्स से यू विल से सेंटर. तो मेरे को सेंटर में ये प्रोग्रेशन प्ले करना है. आई मीन प्रोग्रेशन नहीं करना, स्ट्रम नहीं करना, आई जस्ट हैव टू प्ले जी शार्प ए शार्प सी जी फ्लैट एफ ई ऐसे करके. आई जस्ट हैव टू प्ले दोज ट्रायड्स एंड आइडियली all six need to be different shapes, it can't be the same shape as well, right? So this is very challenging, it's challenging on a totally different level. Theek hai and tum decide karoge ki mujhe kahan pe play karna hai, middle center left. Main mere ko bhi thodi thand lag rahi hai. So theek hai so let's start. I have to play in six different go. Theek hai to tum batao kahan se start kare, left se center se right se. Center and नहीं नहीं टू कॉर्ड सेंटर टू कॉर्ड लेफ्ट, नहीं वो तो बहुत ईजी हो जाएगा, मुश्किल है. तुम्हारे को एक पहले बताना है मुझे सेंटर लेफ्ट राइट, मेरे को उधर ही सारी प्ले करनी है. टू कॉर्ड सेंटर टू कॉर्ड लेफ्ट तो बहुत ईजी है ना, मैं आराम से प्ले कर लूंगा वो तो. एक ही पोजिशन में बताओ. चलो तो अब मेरे को सेंटर में ये सारी छह कॉर्ड मुझे प्ले करनी है, जी शार्प ए शार्प सी जी फ्लैट एफ ई, एंड आइडियली ऑल सिक्स शेप्स नीड टू बी डिफरेंट. Right, so that's where it's a challenging exercise. Okay, so मैं play करनी है G sharp, I can play G sharp here. Okay, next मैं play करनी है A sharp. Now A sharp, I can play A sharp here, but I won't play this because it's the same triad shape. Right? बात समझ में आ रही है ना? ये भी G sharp थी हमारी, ये भी A sharp थी, same shape, but I won't play that. Okay, so मैंने G sharp play करी ये, A sharp मैं play करूँगा ये. Okay? नेक्स्ट है मेरी सी, सी में प्ले करूंगा ये. अगेन नोटिस कि मैं सारी शेप्स जो है इधर ही प्ले कर रहा हूं सेंटर में. राइट, जी शार्प ए शार्प सी. देन नेक्स्ट है मेरी जी फ्लैट. अब जी फ्लैट मैं प्ले करूंगा, आई प्ले हेयर. राइट, नेक्स्ट मेरी है एफ. एफ मैं प्ले करूंगा, आई कैन प्ले इट हेयर. राइट, दैट्स माय, ये एफ होती है तो ये मेरी एफ थी, याद है ना जो थर्ड वाली शेप थी, दैट्स एन एफ. नेक्स्ट है मेरी ई, तो ई मैं प्ले करूंगा ये मेरी ई थी तो ये मेरी एक ट्रायड होगी शेप. ओके सो बेसिकली व्हाट आई डिड वाज आई प्लेड ऑल सिक्स एंड आई थिंक दे वर ऑल सिक्स डिफरेंट शेप्स. नाउ आई एम नॉट बुलशिटिंग, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी रैंडम ऐसे नहीं कर रहा. आई नो आई एम प्लेइंग द राइट थिंग, रिकॉर्डिंग में चाहे चेक कर लेना बाद में. But yeah, don't bullshit. Try to play the right thing. That's the thing. Okay, so that's one. Now second, अब तुम चाहो तो मैं same center में कोई different shape मुझे play करनी पड़ेगी. या तुम बोलो left या right, तुम्हारी मर्जी है. तुम center बोलोगे that'll be very hard. Center में नई shapes ढूंढनी पड़ेंगी. But you decide कि मुझे next जो set play करना है वो कहाँ पे play करना है. Center में new shapes करते हैं. Center में new shapes करते हैं. Okay, let's make it difficult, right? So पहली हमारी chord है G sharp. मैंने पहले ये वाली play करी थी. So, I have to play a different shape now. So I'll play this one. Right? पहले मैंने ये प्ले की थी, अब मैंने ये प्ले कर दी. ओके नेक्स्ट है मेरी ए शार्प. ए शार्प मैं प्ले करूंगा,
ये, राइट, दिस इज द सेम एज ये वाली शेप होती है, दैट्स ए शार्प. पहले मैंने ये प्ले करी थी, सॉरी, अब मैं प्ले कर रहा हूँ ये. नेक्स्ट है मेरी सी. सी मैंने पहले ये वाली प्ले करी थी, अब मैं प्ले करूंगा ये. पहले मैंने ये करी थी, अब मैं प्ले कर रहा हूं. ठीक है, दैट्स अ सी. नेक्स्ट है मेरी जी फ्लैट. जी फ्लैट मैंने लास्ट टाइम कौन सी प्ले करी थी, आई थिंक आई प्लेड दिस. जी फ्लैट मैंने ये प्ले करी थी ना, अब मैं जी फ्लैट की प्ले करूंगा. लेट मी थिंक. सी, दैट्स द थिंग, यू हैव सम फेवरेट शेप्स, उसको आप प्ले नहीं कर सकते. ओके, सो जी फ्लैट आई हैव टू प्ले. आई विल प्रोबेबली प्ले, वेयर इज माई जी फ्लैट, दिस इज माई जी फ्लैट, सो आई कैन प्ले दिस. ओके, लेट मी प्ले जी फ्लैट हेयर. दैट्स अ जी फ्लैट. देन आई हैव टू प्ले एफ. एफ मैंने लास्ट टाइम यही वाली शेप प्ले करी थी. आई विल प्ले, नहीं, एफ ये वाली प्ले करी थी मैंने, ए वाली शेप. अब मैं प्ले करूंगा ये. नेक्स्ट है मेरी ई. तो ई आई कैन प्ले दिस वाली फाइनली. Right? So now I played a different set of, I think I played all different hair. Right? Or I can play E hair as well, by the way. Yeah, I think I might have played this one. I don't know, but. ठीक है, तो छः जो है, छः के अंदर आपको shape repeat नहीं करनी. ये मत सोचना कि पिछली वाली जो shapes है वो repeat नहीं करनी. Right? So these all six need to be different. Now, let me just give one more demonstration. मतलब समझ में आ गया ना करना क्या है? राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी, अब नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट शुभम को, शुभम ने मेरे को दिया, सो नेक्स्ट मैं किसी को दूंगा. ओके, शुभम को नहीं दूंगा मैं, नेक्स्ट मैं किसी और को दूंगा. एंड या दैट्स हाउ विल बी. फिर उसके बाद ऐसे हम रोलिंग करते रहेंगे. ठीक है, लेट्स, लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल. शुभम, लेट्स टेक अ डिफरेंट वन. लेफ्ट राइट में से कुछ बताओ. तुम्हारी मर्जी, तुम बताओ कहाँ पे लेफ्ट में लेना है. ओके, चलो, तो पहले जी शार्प. तो जी शार्प आई कैन प्ले दिस, नो सॉरी सॉरी, जी शार्प आई विल प्ले दिस. ये मेरा जी शार्प हो गया पहला. नेक्स्ट है मेरा ए शार्प. ए शार्प आई विल प्ले दिस. नेक्स्ट है मेरा सी. ए शार्प मैंने, हाँ ये प्ले करना. हाँ, नेक्स्ट है मेरा सी. तो सी आई प्ले, सी आई प्ले, आई कैन प्ले दिस. राइट, दिस इज सी. नेक्स्ट है मेरा जी फ्लैट. जी फ्लैट आई प्ले दिस. नेक्स्ट है मेरा एफ. एफ आई प्ले दिस. नेक्स्ट है मेरा ई. ई आई प्ले दिस. राइट, सो बेसिकली लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू मैंने कौन सी शेप्स प्ले करी है. जी शार्प में आई प्लेड ये वाली शेप. देन थी मेरी नेक्स्ट ए शार्प. ए शार्प में मैंने आई प्लेड दिस वाली शेप, ये वाली शेप. देन थी मेरी सी. सी पे आई प्लेड ये वाली शेप. राइट, नेक्स्ट, बाय द वे दिस शेप इज नॉट द सेम एज जो मैंने जी शार्प के लिए प्ले करी. जी शार्प के लिए भी मैंने ऐसी वाली शेप प्ले करी थी, बट वन इज ऑन द फिफ्थ स्ट्रिंग, वन इज ऑन द सिक्स्थ स्ट्रिंग, सो दीज आर डिफरेंट ट्रायड शेप्स. राइट, दिस लुक्स द सेम एज दिस, बट इट्स अ डिफरेंट ट्रायड शेप बिकॉज इट्स ऑन अ डिफरेंट स्ट्रिंग. राइट, तो सी के लिए मैंने ये प्ले करी. जी फ्लैट को मैंने ऐसे प्ले करा जो हमारी फर्स्ट वर्जन हमने सीखी थी, एफ शार्प वाली या जी फ्लैट वाली. नेक्स्ट थी मेरी एफ. एफ में मैंने प्ले करी ये वाली, जो ये वाली शेप से होती है. एंड नेक्स्ट थी मेरी ई. नहीं, मैंने एफ के लिए ये नहीं प्ले करी थी, मैंने एफ के लिए आई थिंक ये प्ले करी थी, क्योंकि ई के लिए मैंने फिर ये वाली प्ले करी थी. सो यू अंडरस्टूड व्हाट आई डिड वाज, समझ गया ना. सो बेसिकली आई टुक अ नाउ. Let's go higher on the neck. किसी ने पराग ने लिखा है. ओके, सो लेट मी जस्ट डेमोन्स्ट्रेट, क्विकली डेमोन्स्ट्रेट दैट इज वेल. ठीक है, अगर मेरे को हायर ऑन द नेक करना है, सो इट विल बी समवेयर इन दिस एरिया. सो मेरे को जी शार्प प्ले करना है, तो जी शार्प आई कैन प्ले हेयर. दैट्स अ जी शार्प. नेक्स्ट है मेरा ए शार्प. तो ए शार्प आई विल डू हेयर. ए शार्प ये होगा. राइट, दिस इज द थर्ड, थर्ड जो मेजर थर्ड वाली पोजिशन थी. नेक्स्ट है मेरा सी. तो सी आई विल प्ले हेयर. नेक्स्ट है मेरा जी फ्लैट. तो जी फ्लैट आई विल प्ले हेयर. राइट, सो दिस इज माय जी. सो नेक्स्ट है मेरा एफ.
तो F I will play here. And next है मेरा E. तो E I can play here. Yeah. So again, now I've played all six chords on this part of the fretboard. किसी को कुछ डाउट है अबाउट करना क्या है? It's going to be hard. It's not as easy as it looks, right? But किसी को डाउट है अबाउट करना क्या है? कैसे करना है वो तो डाउट बहुत लोगों को आएगा, लेकिन क्या करना है वो तो डाउट नहीं है ना? Yes, शुभम बोलो. तो रट्टा तो लगाना है, जैसे कॉर्ड शेप्स याद रखते हो वैसे ही है. सी बट आई टेल यू अंडरस्टैंड द इंटेंट. एक बार फिर से बताता हूँ, हमने तुम्हारे को 12 शेप्स तो याद होंगी, लेकिन दिक्कत क्या होगी ना, तुम्हारे को 12 शेप्स है. क्या कह रहे हो? 12 शेप मुझे लर्न है. परफेक्ट. तो 12 शेप्स लर्न होगी ना, दैट्स स्टेप वन, दैट्स अ ग्रेट थिंग. लेकिन 12 शेप्स जब लर्न होती है ना, उसमें क्या होते हैं, जनरली लोगों को ऐसे याद होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके, ऐसे करके याद होंगी ना, एक के बाद एक. हाँ, फर्स्ट में मैं रूट निकालता हूँ, उसके बाद रूट वाला शेप लगाता हूँ, उसके बाद थर्ड निकालता हूँ, थर्ड वाला शेप लगाता हूँ. जैसे मर्जी, जैसे मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो. बट द थिंग इज आई एम जस्ट सेइंग कि जनरली रिलेटिव में आती हैं. पर इफ द वीडियो स्टक, इट्स आई डोंट नो, अगर बाकियों को भी स्टक है देन इट्स एन इशू एट माय एंड. अगर सिर्फ तुम्हारे को ही स्टक है देन इट्स एन इशू एट योर एंड प्रोबेबली. बाकी सबको वीडियो दिख रहा है ठीक? यस सर. ओके, कूल 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 कूल, नो वरीज नो वरीज नो वरीज. एनीवेज डोंट वरी पराग, जो रिकॉर्डिंग होगी रिकॉर्डिंग में नथिंग इज गोइंग टू बी स्टक. ठीक है. हाँ, तो शुभम मैं कह रहा था कि जनरली लोगों क्या होता है ना, पोजिशन रिलेटिव टू वन अनदर याद होती हैं. अगर तुम्हारे को रूट थर्ड एंड फिफ्थ करके याद है देन दैट्स अ ग्रेट थिंग. तो फिर तुम्हारे को इस वाली एक्सरसाइज में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, राइट? लेकिन उसमें भी आई टेल यू क्या दिक्कत हो सकती है. द वन दैट आई प्रीएम्प्ट इज, लेट्स से अगर तुम्हारे को मैंने बोल दिया बी फ्लैट प्ले करो, अब बी फ्लैट में तुम्हारे को एक्सीडेंटल स्केल्स मुझे लर्न ही नहीं है. हाँ, वही मैं कह रहा ना, मैं उसी बात में आ रहा था कि अगर बी फ्लैट, अगर बी बोलूंगा तो बी में भी तुम बजा सकते हो कि तुम्हारे को बी डी शार्प एंड एफ शार्प बजाना है, करेक्ट? तो तुम उससे रूट थर्ड एंड फिफ्थ करके पोजिशन निकाल दोगे कि मेरा बी मेरा ये हो गया, ये हो गया. देन दूसरा तुम डी शार्प से कर दोगे ये, सॉरी ये, एंड एफ शार्प से तुम ये कर दोगे, जो मेरी तुम्हारी तीन तीन तुम्हारे को प्ले करनी होगी. लेकिन अगर मैंने तुम्हारे को बोल दिया बी फ्लैट, तो फिर तुम्हारी दिक्कत हो सकती है कि बी फ्लैट के नोट्स क्या होते हैं, बी फ्लैट डी एंड एफ, अगर नहीं पता तो. ठीक है, तो इसलिए मैंने तुम्हारे को 4-4-4 प्रिंसिपल बताया था कि 4-4-4 जो रूल है ना, उसमें तुम्हारे को थ्योरी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ता, उसमें तुम रूट नोट से करते हो ऑन द फिफ्थ स्ट्रिंग एंड द सिक्स्थ स्ट्रिंग. दैट्स अ लॉट ईजियर टू रिमेंबर कि सिक्स स्ट्रिंग पे मेरा बी फ्लैट ये है, तो आई नो कि मैं क्या मेरी शेप्स होने वाली हैं. अभी तुम देखना, अभी तुम करके देखना, पता लग जाएगा कि दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही, राइट? एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन. अगेन, जो आज हम कर रहे हैं ना, इट्स अ वर्कशॉप, राइट? इट्स अ वर्कशॉप, वर्कशॉप में गलतियां होंगी, सो डोंट वरी. चलो, नाउ आई विल पिक समवन, एंड क्योंकि मेरे को भी पिक किया गया था, अब मैं किसी को पिक करूंगा, फिर नेक्स्ट वो बंदा पिक करेगा किसी को, एंड दैट्स हाउ वी जस्ट कीप रोलिंग. ठीक है, चलो लेट्स गो विथ, आई विल गो विथ, ओके आकाश. ठीक है, चलो आकाश, आई विल गिव यू अ नंबर, लेट्स कीप इट इजी, आई विल गिव यू थ्री नंबर, थ्री.